जो गल चलती है ना रविदास महाराज जी बारे तो इतने साढ़े एक बड़ी वही गल चल जाती हूँ कोई यह ना कहे भी ये मामला जोड़ा बड़ा हरप्रीत सिंह मक्कू ने कंट्रोवर्शियल जहा छेड़ लिया एक धिर अड़ जाती है भगत कहे दूजी धिर कहती है गुरु कहे तो फिर मेरे प्रचारक के उपर भी सवाल आ जाता है भी जो तुम दिमाग के कथा करोगे तुम की कहोगे तो सजा भी जाति वेख के दी जाए भी ये छूदर है ये तो इंज मार दौ जिमें कि कुत्ता बेला मारना ते ए फलानी जाति दे विचों है जे इत्थे कुछ हो गया ये ब्रह्म खत्ते है जे मैं गुरबाणी पढ़ता वा ते उहदे विच बड़ा क्लीयर है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे एक है गुलाब एक है डेलिया एक है गुलदोदी हुण फुल अनेक प्रकार दे हो सकदे ने पर एक चीज सानू कदी नहीं भुलनी चाहिए जो उन्हां फुलां नू परो लिया जांदा है ते हकीकत यह है उत्थे कहा जांदा है भी ये माला कै उत्थे ये नहीं कहा जांदा भी ये डेलिया कै ये गुलाब कै ये गुलदोदी कै अकाल पुरख वाहिगुरु जी नू हाजर नाजर जान के एकत्र होए गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों मैं चाहांगा अज समुची संगत बड़ी मर्यादा के तहत सतगुरु रविदास पातशाह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाने के लिए जुड़े हो रज के एकाग्रता की दात प्रदान करिया जे एक मन एक चित होकर बुलाओ गज के फतेह आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला अनेक बुलारिया ने गुरु के कीर्तनिया ने रबी बाणी के कीर्तन द्वारा ते रविदास महाराज जी के इनकलाब बारे एडवोकेट हरप्रीत सिंह जमालपुर जी ने तुहाडे नाल विचारक सांझा रखिया ने पर सब तो पहली गल मैं एक इत्थे बेनती करनी चाहुंना वा जदों गल चलदी है ना रविदास महाराज जी बारे तो इत्थे साडे विच एक बड़ी वड्डी गल चल जांदी हुण कोई ये ना कहे भी ये मामला जिहड़ा बड़ा हरप्रीत सिंह मक्कू ने कंट्रोवर्शियल जिहा छेड़ लिया एक बड़ी वड्डी गल चल पैंदी है गुरु और भगत का मामला एक धिर अड़ जाती है भगत कहे दूजी धिर कहती है गुरु कहे तो फिर मेरे प्रचारक के उपर भी सवाल आ जाता है भी जो तुम दिमाग के कथा करोगे तुम की कहोगे तो मैं एक बेनती गुरबाणी के आखनी चाहना वा जो मैं गुरबाणी पढ़ता वा तो पातशाह गुरबाणी के क्लीयर कहें सत गुर की बाणी सत सत कर जाणो गुर सिखो जे मेरा गुरु कहता भी सत गुर की बाणी है गुर की बाणी है धुर की बाणी है तो चेते रखा जाए फिर मैनू ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए जे मैं गुरबाणी पढ़ता वा तो उहदे विच बड़ा क्लीयर है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे तो जे किसी थां दे उपर किसी भड़ूए वालों बेअदबी हो जाती है तो आप कभी उदों ये नहीं कहिंदे कि भट बाणी की बेअदबी कोई है आप कभी ये नहीं कहिंदे ये भगत बाणी की बेअदबी कोई है आप कभी ये नहीं कहिंदे अनेक प्रकार के शब्द वंडी वाले आप कहने गुरबाणी की बेअदबी कोई है किते एक चीज अज बड़ी रखण वाली है हकीकत यह है भी फुल एक पासे होवे एक है गेंदा एक है गुलाब एक है डेलिया एक है गुलदोदी हुण फुल अनेक प्रकार दे हो सकते ने पर एक चीज सानू कदी नहीं भुलनी चाहिए जदों उन्हां फुलां नू परो लिया जांदा है ते हकीकत यह है उत्थे कहा जांदा है भी यह माला कै उत्थे यह नहीं कहा जांदा भी यह डेलिया कै ये गुलाब है ये गुलदोदी है या अनेक प्रकार दे नाल कह दिए भी ये गेंदा है उदो इको शब्द वरतिया जाता है कि वरतिया जाता है कहा जाता है भी ये माला है। मैं वीरां नू बेनती करांगा भाई दीवान चलता पिया दीवान की मर्यादा का ख्याल तो रखो वीरां नू बेनती है दीवान चलता पिया और रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा एक स्पीकर चलते ना दूजे विच ना बोलो दीवान का हिस्सा बनो बेनती है हुण सुनिया अज मैं बेनती की करदा मैं जो गुरबाणी के मामला बड़ा क्लीयर है तो मैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए हुण इस तो भी आप थोड़ी जी अगे चलते हैं मेरे तो पहला बड़े प्यार दे साहित्य शब्द पढ़िया गया बेगमपुरा शहर को नाओ माड़ा जा बोलो बेगमपुरा शहर को नाओ स्टेज तो बाज भी आवे तो थलों भी बाज आवे जे कहने भी किसान मजदूर एकता तो पर एकता दे विचों एक आवाज निकलनी चाहिए है ध्यान दे के सुनिया जे बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं तेह ठाओ ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल ते जे किसे नू पुछ के वेखो भी ये केड़ा बेगमपुरा है कहिंदे जी अवस्था दा ना है मैं क्या ना अवस्था कह के ना
एडा वड्डा जिहड़ा संकल्प लिया है ना रविदास महाराज जी ने, मैं क्या उन्हें मिट्टी ना करो। कहिंदे जी ये किवें, मैं क्या बेगमपुरा कला ये नहीं है भी एक अवस्था है, ये बेगमपुरा वो है। देखो जदों इंसान नूं इंसान ना समझिया जावे, बोलो बे, जदों सजा का प्रावधान भी होवे ते सजा भी जाति वेख के दित्ती जावे भी ये चूदर है ये ते इंज मार दिओ जिवें कितें कुत्ता बेला मारना ते ये फलानी जाति दे विच्चों है, जे इत्थे कुछ हो गया ये ब्रह्म हत्ते है। ख्याल करिया जे बड़ा वड्डा पाप मन्निया जांदा सी ब्रह्म हत्या दा पाप, जदों सजा देण वेले भी बंदे दी जात परखी जावे, एजुकेशन वेले भी बंदे दी जात परखी जावे, नौकरी वेले भी बंदे दी जात वेखी जावे, घर वाड़न तो पहला भी जात वेखी जावे, पिंडां दीआं गलियां विच विचरण वेले भी बंदे दी जात पुछी जावे, ते फिर रविदास महाराज ने कहा सी नहीं, ऐसा बेगमपुरे की मैं गल करदा मां जिथे कोई भेदभाव ना होवे, जिथे सारिआं दे अधिकार इको जे होण, इंसान नूं इंसान समझिआ जावे। ते पुछिआ भी उहदे विच कौण कौण आपणा ते बगाना होवेगा, कहण लगे नहीं, कह रविदास खलास जमारा जो हम शहरी सो मीत हमारा, साडा ते ओही मित्र है जिहड़ा साडी विचारधारा दे नाल होके चलदा है। ते तुहाडी विचारधारा किहड़ी है, कहिंदे मानवतावादी साडी विचारधारा है, ते मानवती आपां सारे ही आ ना, सानू समझना पैणा। देखो एजुकेशन दे अर्थ कल्ली डिग्री लैणी नहीं हुंदी, एजुकेशन दे अर्थ किताबी कीड़ा बनना नहीं हुंदा, एजुकेशन दे अर्थ नौकरी लैणा नहीं हुंदा, एजुकेशन दे अर्थ हुंदे ने अपने पैरां ते खलो जाणा ते समाज दे विचो सारियां ऊण ताईयां कढ देणियां जिहड़ियां साडे समाज दे विकास दे विच बड़ी बड़ी रुकावट बनदियां ने। ते रविदास महाराज जी ने छूआ छात दा विरोध कीता, रविदास महाराज जी ने ऊंच नीच भेदभाव दा विरोध कीता, ते जदों सतगुरु रविदास पातशाह महाराज ये विरोध करदे ने ना, ते उहनां ते भी बड़ी बड़ी एक पाबंदी ला दित्ती गई। कहण लगे तैनूं ते ज्ञान वंडन दा अधिकार नहीं, क्योंकि तू चमार है, तू छूदर है, तैनूं रब दी बंदगी करन दा अधिकार नहीं। ते एक चेते रखा जे मन लो मैं सड़क ते जा रहा वा, मेरे नाल वीर नंद किशोर ने बड़े प्यारे ने और एक कसवटी दे विचों लंघे हुए ने, मैं सड़क तो जा रहा वा ते कोई मेरे ते पाबंदी लावे भी सड़क तो मैं लंघागा तू नहीं लंघेगा, ते मेरा सीधा सीधा की जवाब होवेगा भी सड़क तेरे प्यो दी है, बोलो बे, सड़क तेरे बाप दी है, आपां शब्द वरतांगे। मैनूं को कह दिंदा भी ना ये पब्लिक जगह पर साडे वास्ते आ तेरे वास्ते नहीं, ते मैं कहांगा पार्क तेरे बाप दा। अंदाजा लाया जे इसे प्रकार का इन बिन शब्द सतगुरु रविदास पातशाह महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच वरतिया। हुण तुहाडे मन दे विच ख्याल आवेगा भी सानू पढ़ के सुना, साडा ते भुलेखा नहीं निकलना, ते मैं पढ़ के सुनाउणा। मैं जदों एडी वड्डी पाबंदी लाती, कहण लगे तू ज्ञान की गल किवें कर सकदा, तुहानू ते ज्ञान का अधिकार नहीं, वर्ण वंड दे मुताबक तुसीं चौथे नंबर ते हो, तुहाडा सिर्फ ये अधिकार है अपने तो उच्चे तीन वर्णा की सेवा करनी, तुहानू परमात्मा की बंदगी का अधिकार नहीं, पूजा का अधिकार नहीं, ज्ञान का अधिकार नहीं, ना प्राप्त करन दा ना अगे वंडन दा। ते उन्होंने एक पावन बचन वरतिया सी, कहन लगे आपन बापै नहीं किसी को, परमात्मा किसी दे प्यो दी जद्दी मलकीयत नहीं भी तुसी मैनू रोक दियो, आपन बापै नहीं किसी को पावन कोहर राजा, परमात्मा तुहाडी जात नहीं वेखदा, परमात्मा तुहाडी भावना वेखदा, परमात्मा तुहाडियां कोठियां नहीं वेखदा, वह तुहाडे अंदर की इंसानियत वेखदा। ते जे तेरे अंदरों इंसानियत ही मुक गई ते केड़ी तेरी उची जात ते केड़ा तेरा ज्ञान है, अको सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण आ है जे रविदास महाराज जी दे संकल्प नूं समझना ना, ते सानूं इह वेखना पएगा भी जिन्हां दा दिन मनाउने आ कि मेरे अंदरों छूआ छात खत्म हो गया, कि मेरे अंदरों भेदभाव खत्म हो गया, कि मेरे विचों वह जिहड़ा एक बड़ा वड्डा ना बराबरी वाला वह चीज़ां खत्म हो गई। जे ते खत्म हो गई तो मैं कह सकदा वा सच्ची मुची मैं महापुरशां दे संकल्प नूं अपने जीवन में लैके चलदा पिया वा, ते जे दिन मनाउना मैं जीवन विचों गल्लां वह नहीं गई ते कहना पएगा नहीं मैं पखंड करदा पिया वा। ध्यान दिया जी, रविदास महाराज जी ने सानू बड़ा कुछ समझाया, बड़ा कुछ दसिया कि जे लब्भण चलिआ यात्रावां बड़ी दूर दूर दीआं करदा, कभी अपने अंदर की यात्रा कर। मैं तुहानू इत्थे एक प्रमाण दिंदा वा, मैनूं ना एक वीर ने पुछिआ, कहिंदा भाई साहब किन्नियां कोई यात्रावां कीतीआं ने, ते मैं मन च सोचिआ मैं कहा कितें फॉरन दे टूर की गल करदा, ते मैं अपने वीजे लग पिआ गणाउण, मैं कहा भी इन्नी बारी मैं फलाने मुल्क दे विच गया वा, ते इन्नी बारी मैं फलाने मुल्क दे विच गया वा। कहिंदा नहीं जी यात्रावां। मैं सोचिआ मैं कहा कितें जेल यात्रा की गल करदा, मैं कहा अजे तुहाडी गया नहीं पर लक्षण मेरे जाण वाले है ने, ध्यान दिया जे मैं आ गल कहती। वह कहिंदा नहीं यात्रा की गल करदा वा, मैं कहा यार किहड़ी यात्रा की गल करदा, कहिंदा अंदर की यात्रा की, अंदर किन्नी कु बारी गिआ। एक चेते रखना आपां धरती दे विच बोर करदे आ, ख्याल करिया जे पानी धरती दे विच है,
पुटना पैंदा आपां पानी तक पहुंच जाने आ। पानी धरती दे विच संकेत बाहर ने, तेल धरती दे विच इहदे संकेत बाहर ने, कोला धरती दे विच इहदे संकेत बाहर ने। ख्याल करिया जे उन्हां संकेतां तों पछाण हो जांदी है ते असीं उस चीज़ तक अपड़ जाने आ। साडे इक संकेत है, उह संकेत तों अपने अंदर इनसान नूं कढ़ना है। सब कुछ तुहाडे अंदर है। एक वकील तुहाडे अंदर बैठा होया है, एक जज तुहाडे अंदर बैठा होया है, इंजीनियर तुहाडे अंदर बैठा होया है, लीडर तुहाडे अंदर बैठा होया है, संगीतकार तुहाडे अंदर बैठा होया है, सारा कुछ तुहाडे अंदर है। अपने अंदरों वह चीज़ा कढ़ो, तो वह चीज़ा कढ़न तो पहला द्वेष कढ़नी पैनी है, दूषण बाजिया कढ़निया पैनिया ने, जिहड़ियां दिन पर दिन एक दूजे के उपर लगातार ही असं लाई तुरे जाने। अको सतनाम श्री, ये कढ़निया पैनगियां सानू। देखो असी गल्लां बड़ियां उच्च पद्धर दियां करदे आ, पर जे उच्च पद्धर दियां गल्लां करदे करदे असी कहीए भी साडे कोल अहुदा बड़ा उच्चा, तो जे गल मैं नीवी कर दी तो चेते रखा जे अहुदा मेरा किसी काम नहीं आना। उदाहरण देना मैं, गुरबाणी की तुक है, उड़दी उड़दी दह दिशा, जल परबत बन राए जिथा डिठा मृत को इल बहेठी आए। पातशाह कहिंदे उड़दी बड़ी उच्ची है पर सुरत बड़ी नीवी है। पुछिया जी किवें, कहिंदे उड़दी है पहाड़ां दे उत्तों दी, सागरां दे उत्तों दी, जंगलां दे उत्तों दी, पर कहिंदे बहिंदी आके किथे है, हाडो रोड़े दे उपर। चेते रखा जे सानू ये भी ख्याल रखना पैना है भी कल्ला मेरे कोल अहुदा हो जाना या कोई अपनी जाति का प्राउड करके मैं फलानी जाति दे विचों आ, जे गल नीवे पद्धर की कर दी तो कहना पएगा तेरा काम इल वाला है, उड़ारी उची है, पर सोच बड़ी नीवी आ के हड्डो रोड़े दे उपर बह जाते हो। रबदास महाराज जी ने सानू दसिया, कहन लगे नहीं, अपने अंदर दे इंसानियत नू उचा चुक, दुनिया दे विच भेदभाव खत्म कर, ते जे इन्हां सारियां चीज़ां दे विच जिउणा है ते कहन लगे फिर अजे इंसान नहीं बने, बाकी आपां चीज़ां की बणांगे। ते सानू भी बड़ा प्यारा समझाया, कहन लगे माटी को पुत्रा, बोलो माटी को, आवाज़ नहीं तुहाडी आउंदी पई, बोलो माटी को। आ मैनू पता नंद किशोर जी ना साढ़े नाल पांच सत्त दिन पहला दी मेरे ख्याल गल है मीटिंग की, कहन लगे मखू जी असी एक मन बनाया है भी सतगुरु रविदास धर्म समाज वालों जिहड़ा बड़ा वड्डा दिन दे दिन चेते रखा जी आ दिन दे दिन असी रविदास महाराज जी का जिहड़ा प्रकाश दिहाड़ा मनाउणा है किसानी मोर्चे दे विच मनाउणा। मैं कहा जी मेरा पूरा समर्थन है, मेरा पूरा साथ, असी तुहाडे नाल हाँ। कहिंदे भी असी घट्टो घट 150 गड्डी लैके जानी है, साढ़े नौजवान वीर जिहड़े ने, कहिंदे एकता की गल कल्ली जबानी नहीं, कहन लगे प्रैक्टिकल रूप दे विच करांगे, किरतियां की गल भी होवेगी, बेजमीने की गल भी होवेगी। मैनू खिमा कर दिया जे ये मोर्चा कल्ला जमीना वालियां दा नहीं है, खिमा कर देना ये गल अज मैनू कहनी पैनी है। जे कोई भुलेखा अपने मन दे विच रखे भी मोर्चा कल्ला जमीना वालियां दा नहीं, इहदे विच बेजमीना भी आ रहा, जिहदे कोल जमीन है नहीं, जिहदे कोल मरला जमीन है नहीं, वह भी समर्थन करता पिया, कहिंदा भरावां दे नाल खलोता ना, तो यह साडा चेन सिस्टम बनता भी है। तो फिर जे असी गल किसानी की करते हैं तो मैनू माफ करिया जे गल तुहानू फिर मजदूर की भी नाल रखनी पैनी है, जे जोड़ना है तो गल रखनी पैनी है, तो जे सिर्फ उस मोर्चे नू जमीना नाल जोड़ के वेखना है फिर गल नहीं बनेगी। तो आप कहांगे फिर यह गल किवें होवेगी, सानू क्लीयर तो कर दिओ भी किसान मजदूर एकता। मैं अपने वालों कह रहा वा इहदे नाल कोई सहमत होवे ना होवे, इन्नी कु बेनती है भी जे 33% पंचायती जमीन, 33% पंचायती जमीन यह आपां नहीं लागू करना, यह नियम लागू है, यह बिल पास ने, यह कोई इन्हां बिलों वांगू नहीं भी बिल रद्द करवाउणे ने, यह बिल पास ने। 33% पंचायती जमीन एससी नूं रिजर्व है, उहदी बोली भी वह दे सकदा है, उहदी वाही भी वह कर सकदा है। तो मेरा मनना यह है भी जिस किसी ने दबी हो जिहड़ा कहिंदा ना मेरे कोल इन्ने सालां दी मालकी है, तो प्यार दे नाल हाथ जोड़ के आपां इन्हां ते काम कर सकते हैं ना, भी मजदूर नूं भी लगे भी मेरे हाकां ते डाका नहीं, इस मोर्चे विचों मेरी भी गल हो रही है। बोलो भी सहमत हो, जे सहमत हो तो एक जकारा लाओ, क्योंकि किसान मजदूर, क्योंकि किसान मजदूर एकता है, तो एकता तो तद ही बनेगी ना। हुण एक आपां कहीए गल सारी हकां दी कर लई ते दूजा कहिंदा मैं बेजमीना भी हाँ, मेरे कोल खर्चा भी खैनी, मैं तो ट्रालियां ते लमक लमक के आने वाली गल बन गई, पर मेरे हकां दी गल नहीं हो रही, फिर कहना पएगा नहीं, इत्थे किसान की गल भी होवेगी, जमीन वाले की गल भी होवेगी, बेजमीने की गल भी होवेगी। क्योंकि गुरु नानक की जे गल करिए तो गुरु नानक दे पासे दो ऑप्शन बड़िया प्यारियां ने, एक पासे मलक भागो है, दूजे पासे लालो है। मलक भागो जमीना का भी मालक है,
पर लालो शूदर होने करके प्रॉपर्टी रखने का अधिकारी नहीं है, पर गुरु नानक उहदे घर दे विच बहिंदे ने। गुरु नानक लालो दे घर दे विच बह के बेजमीने ते किरती दे हक दे विच हा दा नारा भरदे ने। गुरु नानक नूं मन्नण वालिओ अज सारे भरावां नूं जोड़ के आपां वी बेजमीने दे हक दे विच वी हा दा नारा ते मार सकदे आ ना, ताकि सारे साडे भरा जिहड़े ने उह बड़ा प्राउडली होण, उहनां नूं इंज ना लगे वी मैं ते इस बराते एवें चढ़िया फिरदा ना बिना न्योते तो। कहना पएगा नहीं, ये तेरे भी हकां दी गल है, अपने फर्ज समझ के आईए ते फिर बनेगा किसान मजदूर एकता। ते एकता दा बड़ा वड्डा बल है चेते रखना। एकता एक ऐसी चीज है, तुहाडी एकता ही है जिहड़ी रातां दी नींद हराम करी बैठी है। ते जिद्दन साडी एकता टुट गई, जिहनूं कहा जांदा सांब दांब दंड, सांब दे विचों भी लंघे, दांब दे विचों भी लंघे, दंड मैंटली टॉर्चर कीता वह भी लंघ गए, हुण भेद नीति के तहत जिहड़ा काम हो रहा ना, मेरी बेनती है उत्थे कोई भी तेरे इहो जिहा बयान ना देवे, ना मैं दिया, ना मोर्चे की स्टेज तो कोई दबे, ना कोई बाहरले पासे खलो के दबे, जिहदे नाल साडा मोर्चा कमजोर होवे। बोलो भी सहमत हो, सहमत हो ते जकारा के जाओ। जे स्टेज तो भी कोई इहो जिही गल करे ते उहदा बाईकाट होना चाहिए, भावे कोई भी होवे, भावे हरप्रीत सिंह मखू होवे। बोलो भी मैं ते अपनी गल पहला रखदा वां, जे को बाहरों करदा पलोस के उहदे नाल भी गल होवे भी आपां मोर्चे नूं ताकत देनी है, बल देना है, आपां मोर्चा कमजोर नहीं करना। बस आ जिद्दन साडी सोच हो गई ना, मैनूं लगदा भी साडे शब्द जिहड़े ने इक तरतीब दे विचों आउणगे, पहलां तोलांगे ते फिर बोलांगे ते उहदा रिजल्ट साडा बड़ा प्यारा निकलेगा। हुण तक दा दुनिया दा मैनूं एक वीर दा फोन आया, मैनूं कहिंदा भाजी असीं ना फलानी कंट्री तो बोल रहे हां ते असीं बहुत वड्डा प्रोटेस्ट कीता, ते कहिंदा मैं अपने बापू नूं पुछिया भी एदों वड्डा कदी प्रोटेस्ट होया, कहिंदा 84 वेले एडे वड्डे प्रोटेस्ट होए सन, 84 तो बाद, ध्यान दे के फिर सुन लिया जे, 84 तो बाद कहिंदा हुण किसानी मोर्चे दे वेले एडे वड्डे वड्डे प्रोटेस्ट होए ने, पूरी लाइफ दे विच कहिंदा मैं एडा वड्डा कोई प्रोटेस्ट ही नहीं वेखिया। किड्डी वड्डी गल है, ये साडियां प्राप्तियां ने। तुसीं पूरी दुनिया नूं दसण दे विच कामयाब हो गए, पूरे वर्ल्ड नूं दसण दे विच कामयाब हो गए भी साडे किसानां नाल धक्का हो रहा है, चेते रखा जे ये अपनियां प्राप्तियां दे विच आपां गिणांगे। पूरे वर्ल्ड नूं असीं दस दित्ता भी भाई आ, इंटरनेशनल मीडिया ने साडी कवरेज कीती, टैलीविजन दे उपर दिखाया, ये साडियां कामयाबियां ने। पर ख्याल करिया जे एक बड़ा वड्डा सानूं भुलेखा भी शायद सानूं कोई नहीं वेखदा पिया, मेरियां दो अखां वेखदियां ने, लोकां दियां हज़ारां बिंदियां पईआं ने, ते इंटैलीजेंसी दे कोल साडियां रिपोर्टां भी जांदियां होणगियां भी कौन कौन की करदा पिया ते मोर्चा कित्थे कित्थे है। बेनती है रल मिल के मोर्चा सांभीए, ना स्टेज तो कोई इहो जिही गल होवे, ना बाहरों कोई इहो जिही गल होवे, ते मैं इहना को दावा करदा वां अपने वल्लों भी मैं अपनी गरंटी लैंदा वां भी कोई इहो जिहा बयान ना देंगे जिहदे नाल मोर्चा कमजोर होवे, इहो जिहा बयान देंगे जिहदे नाल मोर्चे नूं बल मिले। सहमत हो, एक जकारा के जाओ, समाप्ति करिए। साडे सारे वीर जिहड़े ने ना बड़ा उदम करके आए ने। और एक होर मैं गल दस दियां, जिवें एक ते जमीन दा मालक है, ध्यान दे आ जे, उहदे कोले बड़े साधन ने, आड़तीए कोलों कुछ आ गया, कोई ठेका हिस्सा आ गया, कुछ फसलां बिक गईआं, पर इह जिहड़े साडे भरा आए ने, मैं मन्नदा मैं इहनां दे विच्चों जॉब वाले भी बड़े ने, पर ख्याल करिआ जे साडे नाल उह भी वीर आए ने जिहड़े दिहाड़ी भन्न के आए ने, ध्यान दे आ जे, दिहाड़ी भन्न के दिहाड़ी तोड़ के आए ने। ते सारिआं वीरां नूं इक ऐसी गलवकड़ी दे विच आपां लै लईए, ते मैं आनंद किशोर जी बेनती करांगा भी कल्ला ये नहीं भी सतगुरु रविदास पातशाह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा सी ते आपां आए हाँ, ये कृपा करिया जे आउंदे जांदे रहा जे, ये अपना सारिआं दा मोर्चा, रल मिल के मोर्चा, आपां आउंदे जांदे रहना, समर्थन करदे रहना, भुल्लां चुकां दी खिमा जी। बहुत बहुत सारी संगत का धन्नवाद जिन्हां ने एकाग्रता प्रदान कीती है, धन्नवादियां स्टेज ते बैठे सारे जुम्मेवार सज्जनां दा, धन्नवादियां एडवोकेट हरप्रीत सिंह जमालपुर अकाल चैनल और नंद किशोर वीर जी होरां दा, सभनां दा धन्नवाद करदा होया खिमा दा जा चुकना वां, गज के बुलाया जे फतेह को रसना बांझी ना रवे, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।